नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से गणित प्रवक्ता सुनील कुमार 11th क्लास में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा द्विघात समीकरण x²-1=0। जब हम इसको सोल्व करते हैं x²=1, x=±√1, x=±1, हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन प्लस माइनस वन आया, जो इसमें रखने के बाद इसको सेटिस्फाई करेगा। कभी कभी ऐसे समीकरण हमें प्राप्त होते हैं जैसे x²+1=0, x²=-1। जब हम एक्स स्क्वायर की हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो जिसका वर्क करने पर हमें माइनस प्राप्त हो, लेकिन कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करने के बाद में माइनस वन प्राप्त हो, ऐसी अवस्था में हमें एक नए नंबर की आवश्यकता पड़ी जिसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर कहा। जब हम x=2 निकाल लेंगे तो ±√-1, जो x की वैल्यू है ±√-1, इसको हमने i से प्रदर्शित किया जिसको हम आयोटा कहते हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिट है। और जब हम किसी रियल नंबर में आई की गुणा कर जोड़ते हैं तो हमें एक निरूपित करते हैं जिससे जेड से, उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसका एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट, जो आई के साथ होता है उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं और जो आई के साथ नहीं होता है उसे रियल पार्ट कहते हैं। अब हम आई की पावर 1 करेंगे तो हमारा आएगा √±√-1। आई स्क्वायर जब हम करेंगे तो -1, आई की 3 करेंगे तो आई स्क्वायर गुणा आई बराबर -i, आई की 4 करेंगे तो i²·i² = −1 −1 = +1। अब ऐसे ही करते जाएंगे, i²·i = i आ जाएगा, i²　i² i²² की वैल्यू 1, i² का -1, तो ये -1 प्राप्त होगा आपको। i6 7, i²².i³ = i, और i²　i²► √i²## 1। हम देखते हैं कि एक सर्किल के बाद i की वैल्यू रिपीट होनी प्रारंभ हो जाती है। जैसे i²　-1 थी, उसके बाद में i6　-1 आपको प्राप्त हुई है। इससे हम देख रहे हैं कि एक निश्चित आवर्तकाल के बाद i की वैल्यू जो है रिपीट हो रही है। इससे हमने जो है एक फॉर्मूला बनाया कि i²　m = 1, जहां पर शेषफल 0 है वहाँ पर 1 आ रहा है, 4 से जैसे ही हम डिवाइड करते हैं i²　 = 1, फिर उसके बाद में i²　m + 1, इसकी वैल्यू आएगी आपकी i²　m + 2, इसकी वैल्यू आपकी आएगी -1, और i²　m + 3 = -i। अब हम
एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल आई की पावर 1024 की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जब हम इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे तो पहले से 4 से डिवाइड करेंगे और फिर जो रिमाइंडर बचेगा उसे जोड़ेंगे, उसके बेस पर हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। एम क्या है हमारा? इंटीजर। तो आई की पावर जब 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1024 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दुनी 8, 2 2 4 5 20। तो आई की पावर 4 गुणा 256, हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आया है, इसलिए इसकी वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी? 1। तो इक्वल टू 1। ये हमारी आई की वैल्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला है। आपके पास आई की कितनी भी पावर हो वो आसानी से इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेंगे हम, आई की पावर 15 प्लस आई की पावर 17 प्लस आई की पावर 19 प्लस आई की पावर 21 आई की पावर 24। अब इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। जब आई की 15 को लिखेंगे तो आई की पावर 4 गुणा 3 प्लस 3 प्लस आई की पावर 4 गुणा 4 प्लस 1। ऐसे ही लिखेंगे 19 को आई की पावर 4 गुणा 4 जमा 3, और 21 को भी ऐसे ही लिखेंगे आई की पावर 4 गुणा 5 प्लस 1 प्लस आई की पावर 4 गुणा 6। अब देखो यहाँ आई की पावर जब 15 थी तो उसमें रिमाइंडर 3 बचा हुआ था, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जहाँ रिमाइंडर 3 है तो वहाँ माइनस आई, प्लस जहाँ रिमाइंडर 1 है वहाँ पर हमारा कितना आया हुआ है? आई प्लस, जहाँ 3 रिमाइंडर बचा हुआ है वहाँ पर आई माइनस आई, और जहाँ 1 है वहाँ आई प्लस, जहाँ 0 है तो वहाँ 1। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारा 1 आ गया। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे किसी भी सहमिश्र संख्या का संयुग्मी क्या होता है। हमारे पास जेड बराबर 5 प्लस 3 आई दिया हुआ है। अब इस जेड का हमें संयुग्मी ज्ञात करना है। संयुग्मी क्या होता है? जो रियल भाग होता है उसका वो सेम रहता है परिमाण में भी, और अगर काल्पनिक भाग है वो परिमाण में समान रहेगा लेकिन उसकी जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा। जैसे अब जेड का संयुग्मी यहाँ पर 5 प्लस 3 आया हुआ है, तो 3 आई धन का है तो इसलिए ये 3 आई माइनस का हो जाएगा। परिमाण में समान रहेगा परंतु चिन्ह जो है उसका बदल जाएगा, धन का ऋण और ऋण का धन हो जाएगा। अब हम लेंगे जेड का गुणात्मक प्रतिलोम। किसी का भी हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना हो तो उसमें हमें ऐसी संख्या की गुणा करनी चाहिए जिससे उसका मान 1 प्राप्त हो। तो अगर हमें जेड का गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए तो हमें 1 करने के लिए जेड इंटू 1 अपॉन जेड, तब हमारा 1 प्राप्त होगा। तो इसलिए जेड का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो 1 अपॉन जेड होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जेड बराबर 3 प्लस 5 आई बटे 6 माइनस आई, और हमें इसे ए प्लस आई बी सहमिश्र संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हर है
उसका कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे हर्म से आई ख़त्म हो जाए। तो जब हम इसकी वो करेंगे तो 3 + 5i / 6 - i, इसका कॉन्जुगेट होगा 6 + i। अब मल्टीप्लाई करेंगे अंश के अंश में और हर के हर में, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 18 + 3i + 5 × 30i + 5i² और हर में a - b का फॉर्मूला लगाऊंगे आई का स्क्वायर, 18 + 30 + 3 = 35i - 5/36 - 1, 18 में से 5 गए 13 + 33i / 36 + 1, तो 13 + 33i / 36 + 1 = 37, तो 13/37 + 33/37i, ये हमारा a + ib के रूप में होगा। अब इसके बाद में हम मापांक और कोणांक पढ़ेंगे। मापांक और कोणांक, मापांक क्या होता है और कोणांक, हमें कोई सेमिस्थिर संख्या दी हुई है और उसकी ओरिजिन से जो हम दूरी लेते हैं वो उसका मापांक कहलाता है, और जो ओरिजिन के साथ वो एंगल बनाता है उसे हम कोणांक कहते हैं। जैसे यहाँ कोई आपको सेमिस्थिर संख्या दी हुई है z = x + iy, तो x और y इसके पॉइंट है, ये होगा तो ये x और y, तो r = mod z, इसे हम स्मॉल r या mod z से भी प्रदर्शित करते हैं। ये जो हमारा मापांक होता है वो उस पॉइंट की ओरिजिन से दूरी होती है, तो जब हम इसे दूरी को निकाल लेंगे जैसे ट्रायंगल से निकालते हैं तो mod z = आ जाएगा आपका √x² + y² और एंगल जो दिया हुआ है आपका, अगर थीटा दिया हुआ है तो उसे थीटा को ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा tan θ = y/x, θ = tan inverse y/x, ऐसे हम इसका एंगल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें अलग अलग चतुर्थांश में देखेंगे तो इसका एंगल अलग अलग आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक चतुर्थांश में लेंगे, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें थीटा लेंगे, सेकंड है तो पाई माइनस थीटा लेंगे, थर्ड चतुर्थांश में लेंगे -π - θ और फोर्थ में लेंगे -θ, उससे हमारा जो थीटा है रखने के बाद में आपका जो है कोणांक प्राप्त हो जाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, z = -1 - i√3। अब पहले हम इसका मापांक निकाल लेंगे। मापांक क्या होता है हमारा, जो वास्तविक भाग है उसका वर्ग और प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग का वर्गमूल, तो -1√3² = -1 करेंगे 1 + -√3² करेंगे तो 3 प्राप्त होगा हमें, तो ये हो गया 4 + -2, हमारा जो मापांक निकाला है वो हो गया +-2। अब इसका कोणांक निकाल लेंगे, tan θ = √3/1,
या थीटा की जो वैल्यू है हमारी, टेन थीटा बराबर टेन पाई वाई थ्री, थीटा की वैल्यू आ गई पाई वाई थ्री। अब हमें ये देखना है माइनस वन माइनस आई रूट तीन कौन से चतुर्थांश में है, ये चौथे चतुर्थांश में है, इसलिए हम क्या करेंगे, तो इसका जो कोणांक है वो होगा माइनस पाई वाई माइनस थीटा या माइनस पाई वाई थ्री। अब हम सेमिश्रित संख्या का ध्रुवीय रूप निकालेंगे, वन माइनस आई हमें दिया हुआ है, अब इसका ध्रुवीय रूप हमें निकालना है, तो इसका ध्रुवीय रूप क्या होगा, आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब हमें इससे आर की और थीटा की वैल्यू निकाल कर रखनी है, उससे हमारा इसका ध्रुवीय रूप प्राप्त हो जाएगा। जब हम तुलना करेंगे तो आर कोस थीटा बराबर वन होगा और आर साइन थीटा बराबर माइनस वन। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो एक समीकरण दो, एक और दो का वर्ग कर कर जोड़ने पर, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक जमा एक बराबर दो, तो आर स्क्वायर बराबर दो, तो आर बराबर प्लस माइनस रूट दो। अब हमें थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो टेन थीटा बराबर वन अपॉन वन बराबर वन, तो थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ 45। अब हमें ये देखना है वन माइनस आई कौन से चतुर्थांश में है, तो वन माइनस आई हमारा दूसरे चतुर्थांश में है, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा हमारा पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस पाई वाई फोर बराबर तीन पाई वाई फोर, थीटा की वैल्यू होगी तीन पाई वाई फोर। तो माइन वन माइनस आई का ध्रुवीय रूप आर प्लस माइनस रूट दो कोस तीन पाई वाई फोर प्लस आई साइन तीन पाई वाई फोर, ये हमारा वन माइनस आई का ध्रुवीय रूप होगा। अब इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है आपका, वर्गमूल ज्ञात करना। अब किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम, अब हमें दिया हुआ है माइनस आठ माइनस छः आई का वर्गमूल ज्ञात करना। अगर हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसके वर्गमूल के बराबर हम किसी सेमिश्रित संख्या को लेंगे, तो हमने माइनस आठ माइनस छः आई का वर्गमूल ले लिया एक्स प्लस आई वाई के, और इसमें अब एक्स और वाई की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर देंगे, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर का वर्ग करने पर, तो एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर बराबर माइनस आठ माइनस छः आई का रूट का स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आई एक्स वाई बराबर हो जाएगा माइनस आठ माइनस छः आई। दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, यहाँ पर वास्तविक भाग है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस आठ और टू एक्स वाई बराबर माइनस छः। अब इन दोनों इक्वेशन को हल करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू जो है निकालनी है, तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू माइनस आठ प्लस एक्स और वाई की वैल्यू हमारी है माइनस थ्री, तो फोर गुणा माइनस थ्री का स्क्वायर चौंसठ प्लस चार गुणा नौ चौंसठ प्लस नौ अठे बहत्तर
चार दो छः, सात छः 13, 136। सॉरी, 9 चौक 36, 64 और 36 100 आ जाएगा आपका, ये प्लस माइनस 10। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10 है, समीकरण एक। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर कर एक्स और वाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, एक और दो को जोड़ने पर 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2x² = 2x² = 1, तो x = ±1। अब x की वैल्यू इसमें समीकरण एक में पुट करेंगे तो 1 - y² = -8, तो y² = 1 + 8, तो y² = 9, y = ±√9, y = ±3। अब ये x और y की वैल्यू जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमारा इसका वर्गमूल मिल जाएगा, ये हो जाएगा ±1 + 3i। तो -8 - 6 का जो वर्गमूल है वो 1 + 3i होगा। धन्यवाद।